बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्रेलिक पेंट कोन्स बनाएंगे। इसके लिए हमें ये प्लास्टिक की कोन पहले बनानी होगी और फिर इसके अंदर हम एक्रेलिक पेंट फिल करेंगे। कोई भी प्लास्टिक शीट ले लीजिए, मेरे पास थोड़ी मोटी शीट थी और ये प्लास्टिक टेप। मेरे पास ट्रांसपेरेंट स्कॉच टेप है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिजली की तारों पर यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। टेप मैंने काट कर एक पहले से रख ली है। अब मैं इसकी कोन बनाऊंगी। सेंटर से अपनी प्लास्टिक शीट को रोल करना शुरू कीजिए। देखिए, एक तरफ से मैंने पकड़ लिया है ताकि कोना रहे उसका, और दूसरी साइड से मैं इसे रोल करती रहूंगी। इस तरह रोल करते हुए आप पूरी आखिर तक प्लास्टिक को ले जाइए। जैसे मेहंदी की कोन बनती है, इसी शेप में ये कोन बन जाएगी। अब इसके ऊपर आप प्लास्टिक की टेप लगा दीजिए। प्लास्टिक की टेप ख्याल कीजिए कि कोने तक जरूर लगे, और फिर जितना हिस्सा नीचे है मौजूद इसका, वो उस पर भी लगे, कोना कोई भी खाली ना रहे। जिस तरह ये एक खाली है तो मैं इस पर टेप लगाऊंगी, यानी जितना एज है वो पूरा टेप से कवर होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वरना आपका पेंट लीक करता रहेगा। अब इसमें हम एक्रेलिक पेंट भरेंगे। ये मेरे पास मैरी के एक्रेलिक पेंट्स हैं, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी हम डाल लेंगे। अब ऊपर से प्रेस करेंगे हम, ताकि पेंट जो है वो नीचे की तरफ चला जाए। नीचे जब बिल्कुल इसके कोने तक आ जाएगा, नोक तक आ जाएगा, तो फिर हम ऊपर से इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले ऊपर से फोल्ड कीजिए, फिर साइड से एक दफा फिर ऊपर से फोल्ड करके अब इस पर टेप लगा दीजिए। अब इसमें से पेंट नहीं निकलेगा बाहर। इसको आप पेपर पे, स्टोन्स पे, कैनवस पे, जहाँ चाहें इन कोन्स को यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद इसको दोबारा बंद करने के लिए प्लास्टिक का एक टुकड़ा काट कर इस तरह से इसकी निब के ऊपर फोल्ड कर दें और प्रेस कर दें। अब इसमें हवा नहीं जाएगी और पेंट आपका सूखेगा भी नहीं आगे से। इसको आप आराम से रख सकते हैं, एक महीने तक, डेढ़ महीने तक ही काबिल इस्तेमाल है।